अगले 4 से 5 साल में हमारी इंटेक 50,000 से 60,000 होगी, इसको ब्लैंक कर दें, 50,000 से 60,000 होगी। ओके, 50,000 60,000 के बाद क्या होगा? ये इंटेक 90,000 से लेके 1.25 लाख होगी। सो इट इज नॉट 46,000। ये हमने क्यों करा है? इसलिए करा है, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट मीडियम, क्यों? सो दैट हमें भी इस स्कीम को चलाने के बाद सीखने को मिले कि इसमें दिक्कतें क्या है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ट्रेनिंग के लिए उसको बढ़ाना पड़ेगा। वो बढ़ाने के लिए बटन दबा के तो होगा नहीं, उसके टेंडर जाएंगे, उसका ये होगा वो होगा, उसको 3-4 साल लगेंगे। सो दैट हम अपनी ट्रेनिंग कैपेसिटीज जो फौज की तकरीबन 60,000 के करीब है उसको बिल्डअप करके इस पॉपुलेशन को लेने के लिए जो 1.25 लाख होगी इसके लिए तैयार हूं। नाउ व्हाई 4 इयर्स, जो सब चीजों का मुद्दा है। 17.5 साल 21 साल मैंने आपको बताया, उसके अंदर चेंज क्यों करा गया? इसलिए चेंज करा गया कि पिछले 2 साल के लिए कोविड की वजह से भर्ती बंद थी। भर्ती क्यों बंद थी? बिकॉज हम नहीं चाहते थे सारे एक जवान जिस तरीके से हम लोग एकत्रित हैं एक जगह के ऊपर करे जाए। जो आज जवान को पे अलाउंसेस मिल रहे हैं वो अग्निवीर को ज्यादा मिलेंगे। ओके, इसके प्लीज डोंट टेक हिम कॉस्ट टू कंपनी वगैरह जैसे वर्ड, देयर इज नथिंग। फौज की नौकरी एक जज्बा है, इसको आप पे से नहीं तोल सकते। हाउएवर, जो ये आपके सामने दर्शाया गया है, ये सबसे पहले जो 17 लाख के करीब है ये उसकी पे है। एक सेवानिधि पैकेज है जिसके अंदर उसका योगदान 5 लाख है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से 5 लाख डालेगी। इन दोनों के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो तकरीबन 1.5 लाख होगा। सो टोटल पे उसको 4 लाख तकरीबन इतनी मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे बराबरी की रिस्क एंड अलाउंस नहीं लेगा, उसके जितने भी अलाउंसेस हैं सेम रहेंगे। अगर वो मेरे साथ सियाचिन में बैठा है ही विल गेट द सेम अलाउंस, अगर वो मेरे साथ राजस्थान में बैठा है तो उसको सेम अलाउंस मिलेगा, अगर वो मध्य प्रदेश में बैठा है मुझे भी नहीं मिल रहा उसको भी नहीं मिल रहा। सो इट इज इक्वेटेड, देर इज नो डिफ्रेंसिएशन। वो साथ वाले बिस्तरे पे सो रहा होगा, वो वही कपड़े पहन रहा होगा जो मैं पहन रहा हूं, वो मेरे साथ लंगर में बैठ के खाना खा रहा होगा, देर इज नो डिफरेंस। कोई अलग बैरक नहीं बना दी अग्निवीर के लिए, बिकॉज उसने लड़ाई कल हमारे साथ करनी है, और अगर वो हमारे साथ देश के लिए बलिदान देगा तो देर इज कोई गुंजाइश ही नहीं है उसको हम किसी तरीके से रत्ती भर भी उसको हम अपना छोटा सोचें, नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देश की सेवा करने के लिए जो सर्वोच्च बलिदान देगा उसकी इंश्योरेंस कवर नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है। आज पूरे देश में मैं भी कॉन्ट्रीब्यूशन देता हूं, जो बाहर जवान खड़ा हुआ है वो भी कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। सिर्फ एक इंसान है अग्निवीर जो आगे आने वाले टाइम पे कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देगा, और उसको तकरीबन 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगी अगर उसने अपने देश के लिए किसी वजह से बलिदान दिया। सबके दिमाग में ये आ रहा है इन 75% के साथ क्या होगा। ये अगर देश की ताकत है तो पूरे देश को होल ऑफ द गवर्नमेंट सबकी भागीदारी के साथ इसको आगे ले जाया गया। तो पहले एमएचए ने हमको बोला प्रेफरेंस दी जाएगी, विद इन 3 डेज उन्होंने बोला 10% रिजर्वेशन इन CAPF एंड असम राइफल्स। देन एज रिलैक्सेशन दी। एज रिलैक्सेशन क्यों दी? बिकॉज हमने पहले दिन बोला था कि जो कोविड की वजह से 21 साल के नहीं रह पाए वो 23 साल के हो गए, तो वो 2 साल बढ़ गई। कम टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कई सारी चीजें हैं, जैसे आपके सामने लिखा है कोस्ट गार्ड, डिफेंस सिविलियंस, DPSUs हैं, उन्होंने भी सेम प्रावधान करा है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये प्लान्ड था कि कितना परसेंटेज दिया जाएगा। क्यों? बिकॉज 75% देश की ताकत है। एज रिलैक्सेशन सेम थिंग। कमिंग टू मर्चेंट नेवी, इंडियन नेवी एक ही इसमें क्वालिफाई होती है, उन्होंने भी प्रावधान करा है कि हम इनको लेंगे। जो सबसे जरूरी चीज है जो अगले 2 बुलेट्स में है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन। इन्होंने बोला मैं 12वीं क्लास करवा के दूंगा आपको, और इसका मतलब है कि दे विल गेट अ प्रॉपर स्किल सर्टिफिकेट विच विल बी गवर्न्ड, नॉट दैट मैं जो अपने लेटर पैड पे साइन करके देता हूं टू हुम्स एवर इट मे कंसर्न, नो, इट इज अ प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट जो रिकग्नाइज करा जाएगा जब आप बाहर जाएंगे। देन उसे डिप्लोमा ऑब्लिक डिग्री, दैट इज the 4th bullet प्रोग्राम फॉर 12th पास, इसके पे काम चल रहा है। ओके, 4-5 महीने में
ये भी तैयार हो जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। कॉर्पोरेट अफेयर्स, देखिए मैंने बैंक लोन का शुरू में बताया था, बैंक लोन का प्रावधान ऐसे है, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया मैं 11.5-12 लाख लेके बाहर निकला, तो बैंक से हमने ये बात करी है कि आप अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर छोटा मोटा बनना चाहता हूं तो आप मुझे क्रेडिट दे सकते हैं, वो प्रावधान कर रहे हैं कि क्रेडिट देंगे इस 12 लाख के ऊपर इक्वल अमाउंट का, अगर अगले साल आपकी क्रेडिट रेटिंग ठीक रही तो दे विल उस अमाउंट को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और वो अमाउंट 3-4 लाख ऊपर ले जाएंगे। तीसरे साल के अंदर अगर आपने अपना जो भी व्यवसाय चला रहे हैं ठीक चलाए तो आपका ये जो यू नो लोन की चीज है ये थोड़ी और ऊपर चले जाएगी, उसके बाद हम हैंड होल्डिंग बंद कर देंगे एंड वो और उसका बैंक के साथ वो चलता जाएगा आगे। देन जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं एंड इंश्योरेंस कंपनीज हैं, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब अग्निवीर के लिए पैकेजेस क्रेडिट स्कीम्स बनाएंगे।